नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। बावल से दो बार विधायक प्रदेश के निवर्तमान मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने शनिवार को बावल में परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से रूबरू हुए तो डॉक्टर बनवारीलाल ने कहा कि विकास के नाम पर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस की हवा निकल जाएगी। कांग्रेस केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। अब आपको दिखाते हैं बावल में परिवार के साथ मतदान करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए निवर्तमान मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने तमाम सवालों के जवाब में क्या प्रतिक्रिया दी। देंगे मतदाताओं को आज बूथ नंबर 173 पर सह परिवार हमने मतदान किया और मतदान जो हमारे लोकतंत्र के अंदर एक त्यौहार की तरह होता है, इस पर्व को बड़ी शांतिपूर्वक और भाईचारा के साथ मनाना चाहिए। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए और विकास के लिए हर आदमी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और हर आदमी को वोट देना चाहिए, क्योंकि उनका एक वोट राष्ट्र निर्माण में भागीदारी। तो सब आपने लगातार प्रचार किया है प्रदेश स्तर पर, क्या देखते हैं, किस तरह की तस्वीर देखते हैं सबसे पहले? तो देखो, पिछले 10 साल में जिस तरह से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार के अंदर जो बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के और एक अंत्योदय के सिद्धांत पर जो सरकार ने काम किया है, उसको देखते हुए पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस कहती है कि सुनामी है, कि बड़ी आंधी है, किस तरह देखते हैं इनके? विपक्ष का काम अपने फेवर में हवा बनाने का, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे 8 तारीख को, तो उनको पता लगेगा कि सुनामी है क्या है।